तो क्या सनातन धर्म, जातिगत समीकरण और भारत जैसे भावनात्मक मुद्दों पर होंगे 2024 का लोकसभा चुनाव? जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, पूरा मामला एक बार फिर सनातन धर्म, हिंदुत्व, अगड़ा पिछड़ा, दलित आदिवासी जैसे जातिगत समीकरणों और देश का नाम भारत करने जैसे भावनात्मक मुद्दों में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। आज फिर से सनातन के मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर निशाना साधा। एम के स्टालिन के बेटे उदय निधि के एक बयान ने विपक्ष के गठबंधन को बीजेपी के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव भी पार्टी इस गठबंधन का अलायंस है। उनके मौर्य साहब दिन रात सनातन और रामायण पर भद्दी भद्दी गालियां कहते हैं। कभी उन्होंने कहा इसे मना करो, ये ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह ने भी बहुत टॉन्ट कसा है, कभी उनको कहा गया? अभी जरा मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे तो कमाल हो गए साहब। मैं ये सारा संदेहास्पद परिस्थिति आपको बता रहा हूं जो इस विश्लेषण को कन्फर्म करती है कि सनातन विरोध तथा कथित घमंडिया अलायंस का संकल्प। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई। पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड बताता है कि बीजेपी ने गियर चेंज कर लिया है और वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। साफ पता चल रहा है कि किन मुद्दों पर बीजेपी 2024 की लड़ाई लड़ने जा रही है। इन मुद्दों के जरिए हिंदुत्व की पिच पर खेलने की तैयारी है, राष्ट्रवाद को धार देने का प्रयास है। अब ये कोई कयास नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बीजेपी ने कई कदम उठाए हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि किन मुद्दों पर आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ा जाना है। हिंदुत्व की पिच इस बार बीजेपी के लिए सीएम एम के स्टालिन के बेटे उदय निधि ने भी तैयार कर दी है। उनकी तरफ से सनातन को लेकर एक ऐसा बयान दिया गया जिसने राजनीतिक गलियारों में सियासी भूचाल लाने का काम कर दिया। उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से कर दी। इस मुद्दे ने पार्टी को चुनावी मौसम में एक बड़ा नैरेटिव सेट करने का मौका दे दिया। बयान डीएमके नेता का रहा, लेकिन बीजेपी ने उसे इंडिया गठबंधन का स्टेटमेंट बता दिया। सफाई भी डीएमके या उदय निधि से नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से मांगी जा रही है। मंगलवार को बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने न केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर सवाल उठाए बल्कि लालू और अखिलेश पर भी सवाल खड़े किए। अब तो मैं कन्विंस हो गया हूं कि सनातन से कांग्रेस पार्टी अलग चली गई है। हाँ, कमल को भारतीय सनातन परंपरा में क्या स्थान दिया गया है? मैं कांग्रेस के लोगों से एक ही बात कहूंगा, थोड़ा तो बड़ा दिल दिखाइए। आज पूरी दुनिया G20 के सफल आयोजन के लिए भारत की प्रशंसा कर रही है और नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप की प्रशंसा कर रही है। किस तरह से दुनिया में जहां एक मत नहीं होता था आज एक मत हुआ, फिर भी परेशानी? तो आप तो विरोध करते ही हैं, कभी कभी देश के लिए बड़ा दिल दिखाइए, लेकिन आज की कांग्रेस से उम्मीद नहीं है। देखिए, रविशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं या भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं इससे मतलब नहीं है। जब चुनाव आता है तब इनको, क्योंकि इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं है, तो इनको सनातन याद आता है, धर्म याद आता है। अगर इन्होंने कोई काम किया होता, 2 करोड़ रोजगार अगर इन्होंने दिए होते हर साल, और महंगाई को डायन कह के ये सत्ता में आए थे, अब आप ये बात सनातन की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये असली मुद्दे से जनता को भटकाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बेकार की बातें ये करते हैं। बीजेपी की पिच क्लियर है, वो विपक्ष को हिंदू विरोधी दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि पूरा इंडिया गठबंधन हर मौके पर बस सनातन का अपमान कर रहा है। राम मंदिर के मुद्दे के सहारे सप्ताह में आई बीजेपी एक बार फिर से सनातन को मुद्दा बनाकर विपक्ष को चारों खाने चित्त करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।